So today we are going to study about subject code 22419, summer 2019 paper, question number 2nd and question B. Question 2B. The question is, describe the proximity effect and state its two disadvantages. So question is about proximity effect, right? Now, to understand this proximity effect, first try to understand conductor 1 and conductor 2 are separated with each other with the distance of r, or if you are not understanding this, then try to understand two wires are kept beside each other, right? Diagram आप अपने हिसाब से draw कर सकते हो, cross section area से भी दिखा सकते हो, cross section area या side view भी दिखा सकते हो. So conductor 1 and conductor 2 both are carrying current and that current is passing in one particular direction. That current might be in opposite direction, but as soon as current is flowing through this conductor, it start generating magnetic field. If current are in same direction, then magnetic field will be same. If current are in opposite direction, then this will be the magnetic field, right? Opposite magnetic field will attract each other, but similar magnetic field will repel each other. Fine. So what is proximity effect? Proximity effect says, let two alternating current carrying conductor placed near to each other. जैसे मैंने दिखा है, दो वायर एक दूसरे के नजदीक है, जिसमें से करंट फ्लो है. Due to electromagnetic action, flux produced by each conductor links with each other. जो magnetic effect create होता है, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है? Link हो रहा है. Due to this, superimpose of magnetic field on conductor causes current in which conductor is redistributed. और इसके वजह से उसके अंदर जो flow हो रहा current है, वो redistribute होता है. Means उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है या फिर उसका वैल्यू चेंज हो सकता है. कैसे? इसी के लिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है. जैसे कि यहां पर करंट फ्लो है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, ये वायर है, वायर का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, सर्कुलर पोर्शन. तो इसमें से अगर करंट फ्लो करे तो इसके इर्द गिर्द क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स, उसे हम लोग कह सकते हैं. सो ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे बाजू में एक और कंडक्टर है, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, राइट? हाँ सर. सो दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स कॉजेस चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट को शिफ्ट करने के लिए वो मजबूर कर देता है, उसका रिपल्शन, जो दो कंडक्टर में फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और उससे जो करंट कंप्लीटली फ्लो हो रहा था उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो क्या हो जाता है? थोड़ा शिफ्ट हो जाता है. मतलब ये इसे कॉज करेगा. सो दिस पर्टिकुलर एरिया विल कैरी द करंट एंड दिस पर्टिकुलर एरिया विल कैरी द करंट. उसके आपस में जितना भी कनेक्शन है वहां पर करंट फ्लो नहीं होता, वो दूर जाएगा, राइट? अगर सिमिलर है तो, डिसिमिलर है तो अट्रैक्ट होगा, बट ये वी आर टॉकिंग अबाउट एसी करंट, राइट? वापस समझो, ड्यू टू दिस सुपर इम्पोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सुपर इम्पोज का अर्थ क्या है? एक एग्जांपल, अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम लोग बात करें, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर अ कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन. मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को किसी कैरियर के साथ सेंड करना इज सुपर इम्पोजिशन.
अब यहां पर हम किसे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सुपर इम्पोज कर रहे हैं कंडक्टर के ऊपर, बराबर है? ओ सर, कहीं पर मैग्नेट कनेक्ट किया है हमने? नहीं, बट मैग्नेट कनेक्ट नहीं भी किया है फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स उसके इर्द-गिर्द क्रिएट हो रहा है, एंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेस चेंज इन द डायमेंशन और द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट कर रहा है, एंड सेकेंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर को इफेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ड्यू टू दिस सुपर इम्पोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर causes current in each conductor is redistributed. This is known as proximity effect. अब disadvantages क्या है? Current in each conductor is redistributed. तो redistributed होता है, ये पहले disadvantage है. Second, this is current. That is current is not uniformly distributed through cross section of conductor. मतलब वो पूरा uniformly distributed हो रहा है क्या? Current पूरा जाना चाहिए था ना? इस कंडक्टर में पूरा कंडक्टर में करंट जाना है, बट नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स इसे अफेक्ट कर रहा है, इसलिए जो ब्लू पोर्शन है उतना ही करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? ड्यू टू अबाउट टू रीजंस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, है ना, पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, देयरफॉर इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर रिड्यूसेस सो इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो इसी वजह से क्या हुआ, एरिया कम होने की वजह से उतने ही कम एरिया में करंट फ्लो होना है, सो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्लियर? तो ये सारे क्या है उसके डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।